प्रसिद्ध कवि और लेखक श्री ब्रज श्रीवास्तव जी की ये रचना दिव्या से सुनिए। इसका शीर्षक है टोपी। गुलाबी और मुलायम ठंड में सिर को गर्मी देने वाली मेरी प्रिय टोपी गुम गई। उसके बगैर निकला बाहर तो भी सबने मुझे पहचान लिया। मेरी जरूरत थी वो टोपी, उस टोपी के जैसी नहीं जो लोगों की पहचान बन जाती है। एक और रचना, इसका शीर्षक है दोपहर के लिए नींव बनो। इस सुबह में कुछ सुखद सपनों की स्मृति है। बड़ी बहन की तरह यह सुबह जैसे कह रही है दुखद स्मृतियों को भूल जाओ। बड़े भाई की तरह कह रहा है सुबह का दृश्य, कहीं पर माफ करो, कहीं पर माफी मांगो। और मुस्कान से सजा दृश्य बनो। इस सुबह में घर घर दरवाजे खुल रहे हैं, बुहारी हो रही है, कहीं कहीं संगीत की ध्वनियां हैं, दूध वाले की आवाजें हैं, सड़कों पर स्फूर्त भरी टहल चल रही है। पिता की तरह कह रहे हैं पेड़, देते रहो दुनिया को अपने तन से फल पत्ते ऑक्सीजन। और कोयल को कूकने के लिए डाली, दोपहर के लिए नींव बनो। कह रहे हैं पड़ोस में निर्मित हो रहा एक घर।